तो गाइस हमारी पैकिंग हो चुकी है और आज हम निकल रहे हैं अपने मेरे घर के पास में ही क्योटी वाटरफॉल है, तो वहाँ जाएंगे और वहाँ हम करने वाले हैं कैंपिंग। तो बारिश बहुत हो रही है रास्ते में, तो हम रास्ते का व्यू नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि मेरा फ़ोन वाटरप्रूफ नहीं है। तो हम मिलते हैं आपको क्योटी वाटरफॉल में। गाइस हम पहुंच गए हैं क्योटी वाटरफॉल और नज़ारा देख रहे हो। ये मेरी गाड़ी, ये सुमित भाई लोग दोनों वहां पे हैं और मेरी हालत पूछो मत, क्योंकि रोड इतनी ज़्यादा ख़राब है। तो आप लोगों को इन्फॉर्म कर रहा हूं कि अगर आप में से कोई भी क्योटी आना चाहते हैं तो बैकुंठपुर से लाल गाँव वाली रोड में आके वहाँ से लेफ्ट टर्न लेके आएँ, क्योंकि वो रोड ज़्यादा बेटर है। ये छोटी सी वाटर क्रॉसिंग है, हम क्रॉस करेंगे। और ये रहा मैं, ये देख रहे हो आप मेरे शूज पूरे गीले हो गए हैं। तो अभी चलते हैं जावेद और राजू के पास, यानी सुमित के पास। शानदार नज़ारा है गाइज। तो गाइज हमारे कैंपिंग मास्टर कैंप लगाने की तैयारी में, एक सेकंड। और इधर जावेद भाई अपना कैमरा सेट कर रहे हैं, तो आप कैंप सेट करने के बाद हम आपसे मिलते हैं। तो गाइस ये रहा हमारा सीन और ऑलमोस्ट हमारा कैंप रेडी हो गया है और मौसम बहुत अच्छा है, तो जैसे जैसे बारिश आएगी तो हम अपने टेंट को मूव कर लेंगे और ये लोग आज करेंगे चिकन पार्टी। तो गाइस राजू भाई तैयारी स्टार्ट कर दिए हैं और जावेद कैमरे सेट कर रहा है। ये हमारा पूरा सेटअप है और तीन लोग इस पर आराम से आ सकते हैं। और ये हमारे कैंपिंग टेंट का बाहर का व्यू है और यहाँ आप डे और नाइट किसी भी टाइम आपको अगर कैंप करना है क्योटी वाटरफॉल में तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम आपको कैंपिंग करवा सकते हैं। ये बॉय चूचा कर। तो गाइस दोनों लोग ये लगे हुए हैं और अभी मेरा टर्न था, अब इन दोनों का टर्न है। तो गाइस चिकन ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। ए बंद कर दो क्या, सुनो जावेद, ये तो हमको उठाए पड़ी ना। एकदम कलरफुल चिकन, एकदम फर्स्ट क्लास बना है गाइस। ये आप कमेंट्स में बताना कि कितने का हो चुका है, अगर इसको हम मार्केट में बेचने जाएं तो कितना मिल सकता है इसमें। गाइस क्योटी वाटरफॉल का ये, अभी तो हम किला साइड थे और हम आ गए हैं फ्रंट साइड। तो सर आपको कैसा लग रहा है? सर मैं इधर नहीं आना चाह रहा था, बात ये है। हाँ। लेकिन जो है ना अपना काम तो हो गया था, लेकिन जो चीज़ दिखाना था वो चीज़ दिखाने के लिए हमें यहाँ पे आना था। चलिए आप देखिए, जस्ट टेक अ लुक। हमारी पार्टी हो गई, हम खा पी के रेडी हो गए हैं और अब सामने अगर इतना अच्छा नज़ारा हो, मौसम अच्छा हो और कैंपिंग टेंट हो तो आराम करना तो बनता है। तो यहाँ दो के दोनों लोग आराम कर रहे हैं और राजू भाई थोड़ी सी मस्ती कर रहे हैं अकेले में नेचर से बातें कर रहे हैं। तो ब्लॉग को हम यहीं पे अब ख़त्म करते हैं और
जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया कि हम कैंपिंग अभी अभी हमने स्टार्ट की है, तो जो कमी लगे तो आप ज़रूर बताइएगा। और जिस किसी को भी यहाँ कैंपिंग करनी है तो डे पे करिएगा, नाइट पे यहाँ तक कंफर्टेबल नहीं है। क्यों राजू, क्यों जावे? तो बिल्कुल भी सही नहीं है। हाँ, तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को कैंपिंग के लिए? कैंपिंग यार देखो, डे के लिए बहुत सही है। और जैसे आप दिख रहा है ये मौसम और ये टेंट वगैरह सब कुछ, तो यार देखो यार आप कर सकते हो, बहुत ही अच्छा है, लोकेशन बहुत प्यारा है, बट नाइट के लिए नहीं सही है। तो डे में आप सब कुछ करो और टाइम से निकल जाओ घर। तो अभी हम लोग का सब ख़त्म हो चुका है, अब हम लोग जा रहे हैं घर ही। और इस ब्लॉग को या तो आप समझो मेरे भाई एंड कर दे या मैं एंड कर दूं, बात एक ही है। तो चलो इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ यार लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करके जरूर बताओ क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। ओके, सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, आई सी यू, टेक केयर गाइस, बाय।